आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme C63 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के ना स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट अगर स्लो चलता है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग रीसेट करनी है। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च बार पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार और रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको जो है ना ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला एक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पर आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे दोबारा टैप करना है, तो आपको थोड़ी देर में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क रीसेट कम्प्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया नेटवर्क रीसेट कम्प्लीट। इस तरीके से एक बार नेटवर्क सेटिंग रीसेट करनी है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है ये वाला, ठीक है। इस फाइल के ऐप को ना ओपन करना है। अब इस ऐप में नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज पे टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी लिखना है, तो नीचे सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पर टैप करना है। यहाँ पे सर्च बार और रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा पे आप दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ही ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।